गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 4.5, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फिगर बना हुआ है बुक में, डेल्टा एक्स लेंथ है, डेल्टा एक्स को हमने डीएल ले लिया क्योंकि हमारे फार्मूले में डीएल रहता है, इसलिए इसको डीएल ले लिया। अब डीएल की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, 1/100 कर सकते हैं, तो ये हमने 10^-2 मीटर कर दिया। इस लेंथ से अब इसमें क्या है कि कंडक्टर है, वायर है छोटा सा, जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और करंट कितनी फ्लो हो रही है, 10 एम्पियर की। हमको आर डिस्टेंस यानी वाई एक्सेस पर हमको 0.5 मीटर डिस्टेंस पर हमको फील्ड पता करना है। ये पॉइंट हम मान लें पी है, फील्ड भी पता करना है और फील्ड की डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन देखिए क्या होगी, जिस तरफ करंट फ्लो हो रही है वायर में उस तरफ हम क्या कर देते हैं, अपनी उंगली, अपने अंगूठे को इंडिकेट कर देते हैं। और हमें निकालना कहाँ है, पी पॉइंट पर निकालना है, तो हम जिस तरफ निकालना होता है उस तरफ हम अपनी फिंगर्स को कर देते हैं। देखिए, करंट उस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में है और हमको फील्ड पता करना है पी पर, तो पी की तरफ हमने उंगली कर दी यानी फिंगर्स कर दिया, तो ये जो पाम है वो पाम क्या बताएगा, ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड। तो यहाँ पर जो ये फील्ड होगी वो अपवर्ड होगी, और अपवर्ड को हम डॉट से दिखाते हैं, हम यहाँ लिख भी सकते हैं अपवर्ड। अगर डाउनवर्ड होती तो डाउनवर्ड को हम क्रॉस से दिखाते हैं, ये सब पता है आपको। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको फार्म लगाना है डी बी म्यू नॉट 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब थीटा कितना, देखिए फील्ड की डायरेक्शन इधर है, सॉरी फील्ड जो आपका वायर है वो इस डायरेक्शन में, करंट इधर फ्लो कर रही है और आपको निकालना उधर, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वायर से, तो थीटा 90 हो जाएगा, तो साइन 90 की वैल्यू हम 1 रख देंगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू दे रखी है 10^-7, करंट हमने 10 एम्पियर ले लिया और डीएल हमारा 10^-2 है, साइन 91 है, आर की वैल्यू 0.5 और 0.5 रखेंगे। तो अब देखिए, यहाँ से 2 डेसिमल के जब ख़त्म होंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, तो देखिए ये और ये मिलकर के 10^+3 में आ जाएगा, और 7 और 2 कितना हो जाएगा, -9, और नीचे क्या बचेगा आपका 25। अब इससे क्या करें, हम इसको एक एक डेसिमल एक प्लस जीरो प्लस पावर दे दें इसको, तो कितना बन जाएगा, -8, और इसको हम 100 कर दें, इसको हम 100 कर दें तो क्या बन जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम चला जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 × 10^-8, ये क्या आ जाएगा, टेस्ला, ठीक है। और डाउनवर्ड होगा, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सॉरी अपवर्ड होगा फील्ड, क्योंकि देखिए समझिए, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में आपने थंब को इंडिकेट करेंगे, और जहां पर आपको पता करना है, आपको इधर पता करना है, तो हमने क्या किया, उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स कर दी, तो जो पाम की डायरेक्शन है वो पाम ऊपर की तरफ बता रहा है, इसका मतलब यहाँ फील्ड अपवर्ड होगी। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।